जाने के बाद सिर्फ राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही थी मैं। रूबीना दिले को मैंने पहले ही कहा था कि वो अपनी चतुराई से ट्रॉफी जीतने वाली है। मैंने उनको शुभकामनाएं दी रूबीना को। अगर नहीं जाते तो शायद राहुल विनर हो सकते थे। हमने ये तो देखा है कि रूबीना दिले के फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन सच्चाई जो मैं कहना चाहती थी वो सलमान जी ने वीकेंड पे बताई थी। जिस तरह से सलमान जी ने कहा, उसको स्वीकार किया, रोते हुए स्वीकार किया उन्होंने, यही मैं कामना करती हूँ। राखी सावंत की मदद जल्द स्वस्थ हो जाए और मैं मिलने जाऊँगी उनसे। थैंक यू। देखिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है और पहले भी जैसे सलमान जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, उनकी फ़िल्म के लिए भी इनका गाना होता है अक्सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं आई तुरंत। आज मेरा शूट था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इनको शुभकामनाएं दी हैं और बहुत लोगों द्वारा सुना जाए, पसंद किया जाए। देखिए, पहले टिकटॉक पे मैं थी, कुछ 2 साल का समय जो था रही मैं, टिकटॉक बंद हुआ और उसके बाद से मुझे लोगों ने लगातार पूछा कि आप अभी क्या, कहाँ पे हैं, कहाँ पे देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल कामों में इतना फंसे रहते थे, कुछ नहीं बना पा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं मुंबई आती हूँ तो इन चीज़ों को किए बिना रह नहीं पाती। हर साल ऐसे ही होता है। इस बार भी बिग बॉस के लिए जैसे ही मुंबई आई और क्वारंटीन किया हुआ था, उस समय में मैंने रील बनाना शुरू किया और इंस्टा पे मैं पहले एक्टिव नहीं थी और अब मैं हर रोज़ 2 से 3 रील बनाती हूँ। जब भी मूड होता है बड़ा मज़ा आता है और आगे के लिए काम कर रही हूँ। अच्छी फिल्म्स के ऑफ़र हैं मेरे पास, म्यूज़िक वीडियो है और बहुत सारा काम करना है अभी इंडस्ट्री में और सब लोग बहुत साथ दे रहे हैं और बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं दोनों जगह बहुत अच्छे से काम कर पाऊँगी, हरियाणा की राजनीति में भी और दूसरा फिल्म लाइन में भी। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा दिल से सपोर्ट दोनों को रहा था शो में जाने से पहले और जाने के बाद सिर्फ राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही थी मैं। रूबीना दिले को मैंने पहले ही कहा था कि वो अपनी चतुराई से ज़रूर गेंद ये ट्रॉफी जीतने वाली है और हुआ भी एक्चुअल में ऐसा ही, और मैंने उनको शुभकामनाएँ दी रूबीना को। उन्होंने बड़ा चतुराई से खेला और ट्रॉफी की हकदार वो बनी। देखिए, 5 लोग जो डिज़र्विंग थे वो थे वहाँ पे, बाकी तो ऑडियंस का फैसला था, वही जो लोग दिखे हैं वो उनको होना चाहिए था इसलिए वो वहाँ थे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हो जाते, वो एक कहीं ना कहीं राहुल का एक थोड़ा सा इमोशनल वो कमी हम कह लेंगे कि फैमिली के लिए थोड़ा वो था उनका कि शो को बीच में एक बार के लिए छोड़ के गए। अगर नहीं जाते तो शायद राहुल विनर हो सकते थे। देखिए, हमने ये तो देखा है कि रूबीना दिले के फॉलोअर्स बहुत हैं, उन्होंने काफ़ी समय से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, 10-12 साल से कई चैनल्स के लिए शो किए हैं, तो स्वाभाविक है क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है और वास्तव में है भी ऐसा, तो उनके फ़ैन चाहते थे उनको जितवाना। वोटिंग भी बहुत ज़ोरदार हुई और जब मैंने 1-2 चीज़ें उनके बारे में रियलिटी उनकी बताना चाहिए तो उनको फ़ैन सुनना ही नहीं चाहते थे, तो उन्होंने मुझे भी ट्रॉल किया, लेकिन सच्चाई जो मैं कहना चाहती थी वो सलमान जी ने वीकेंड पर बताई, तो मुझे इस बात की खुशी हुई। रूबीना जी ने वो उस बात को माना भी कि वो उसी तरह की हैं, जिस तरह से सलमान जी ने कहा, उसको स्वीकार किया, रोते हुए स्वीकार किया उन्होंने, तो उनको मैं कहूँगी कि सच में उनमें वो काबिलियत भी है कि वो अपनी चीज़ों को, चाहे सही है वो गलत है, वो स्वीकार भी करती है। देखिए, सब लोगों से टच में हूँ मैं, उसके बाद जैसे उस दिन सभी से मुलाकात हुई, फिनाले वाले दिन भी सबके नंबर एक्सचेंज हुए, अभी जैसे राखी सावंत से आज मेरी बात हो रही थी, बिंदु जी के घर से मैं अभी आ रही हूँ, तो राहुल वैद्य के फैमिली से मैं मिली हूँ और सब लोगों ने मुझे इनवाइट किया है और काफ़ी लोगों के टच में हूँ, काफ़ी लोगों से मन है बातचीत आगे करेंगे और जब वक्त के अनुसार जब से भी मिलने का सही समय होगा तो मिलेंगे भी। हाँ,
हाँ बिल्कुल, मेरी बात हुई है, कल भी मेरी बात हुई थी, आज भी हुई थी, तो वो कह रहे हैं जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो मैं मिलने भी जाऊंगी। राखी साहू की मदर बहुत अच्छी महिला है और उनकी बेटी ने बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ी है, और माँ बेटी का प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत देखने को मुझे मिला कि एक दूसरे का सहारा है वो। भगवान उनको स्वस्थ रखे, यही मैं कामना करती हूँ, राखी साहू की मदर जल्द स्वस्थ हो जाए और मैं मिलने जाऊँगी उनसे। बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अब आगे इतना अच्छा काम भी मुझे आ रहा है, काम भी मैं और करने वाली हूँ, और बिग बॉस में का सफ़र जो इतना अच्छा मेरा रहा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से रहा, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।